10 साल बीतने के बाद भी जांजगीर जिले के खोखसा रेलवे फाटक पर बन रहा रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। ब्रिज का 90% काम पूरा हो गया है, केवल 10% काम बचा हुआ है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फाटक बंद होने के साथ ही लोग घंटों तक मौके पर फंसे रहते हैं, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। चांपा और जांजगीर शहर को जोड़ने के लिए खोखसा रेलवे क्रॉसिंग पर बनाया जा रहा रेलवे ब्रिज अब भी अधूरा है। पिछले 10 सालों से आरओबी को बनाने का काम चल रहा है, जो अब तक पूर्ण नहीं हो सका। पिछले एक दशक में जिले के 8 कलेक्टर बदल गए, लेकिन बदली नहीं तो वह है शहर की बदहाली। ट्रेनों के गुजरने के दौरान जब फाटक बंद होता है तो लोग काफी देर तक फंस जाते हैं। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग जाती है, जिससे आम लोग तो काफी परेशान होते हैं, वहीं आवागमन भी बाधित होता है। लोग चाहते हैं कि आरओबी का काम जल्द से जल्द पूर्ण हो, ताकि उन्हें आने जाने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। रोजाना जांजगीर से चांपा जाना पड़ता है, चांपा से फिर शाम को जांजगीर लौटना पड़ता है। हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से यहाँ ओवर ब्रिज जो है कछुआ चाल से चल रही है, और साथ में बहुत सारी दिक्कतें हैं। यहाँ घंटों भर लाइन लगे रहते हैं, हम समय पर ऑफिस नहीं पहुँच पाते। वही एम्बुलेंस में कई मरीज जो है बहुत गंभीर स्थिति में रहते हैं, वो समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाते। हमारे सामने है ये सब भयानक स्थिति हमको देखने को मिलता है। जिला प्रशासन भी इस पर अब तक कोई गंभीर नहीं है, और ये जो ओवरब्रिज है सबके लिए एक अभिशाप बनने के बजाय श्राप बन चुका है। ब्रिज बन रहा है और बहुत परेशानी होती है हम लोग को जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है। लगातार 2-3 ट्रेन एक साथ गुजरती है, तो हमारा समय भी ख़राब होता है, पेट्रोल भी ख़राब होता है, और जिस जगह पर हमको जाना रहता है वहाँ हम लेट से पहुँचते हैं कार्यस्थल पर, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। खोखसा ओवरब्रिज का करीब 90% काम पूर्ण हो चुका है, 10% कार्य पूर्ण करने को लेकर लेटलतीफी की जा रही है। अप्रैल माह तक काम पूरा करने रेलवे ने समय मांगा था, लेकिन निर्माण कार्य की स्थिति को देखकर नहीं लगता कि काम जल्द पूर्ण होगा। प्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि मई माह तक आरओबी का काम पूर्ण हो जाएगा और आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। रेलवे ओवरब्रिज खोखसा, इसमें लोक निर्माण विभाग के हिस्से का काम तो पूरा हो चुका है 2018 में ही, रेलवे के हिस्से का काम बचा हुआ है, जो कि कई सेफ्टी रीजंस थे, उनकी ड्राइंग्स वगैरह कोलकाता से अप्रूव होती हैं कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है, तो वो अप्रूवल उनको मिलने में थोड़ा सा विलंब हुआ है। और भी कुछ एक टेक्निकल रीजंस थे उनके यहाँ, चूँकि ये हल्का तिरछे में स्पान बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ, और अभी काम बड़ी अच्छे से तेज़ी से चल रहा है उनका, और संभावना है कि 15 मई तक पूरी तरह से कंप्लीट होकर के हमको मिल जाएगा। रेल ओवर ब्रिज का काम पूरा करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि फाटक बंद होने के दौरान कई दफा एम्बुलेंस भी फंस जाती है, जिससे मरीजों की जान सांसद में फंस जाती है। बहरहाल मई माह तक कार्य पूर्ण करने की बात कही जा रही है। देखने वाली बात होगी कि निर्धारित अवधि तक काम पूरा हो पाता है कि नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान।